हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अब हम पढ़ने वाले मैक्सिमा मिनिमा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैक्सिमा और मिनिमा का जो रोल है वो क्या होता है। मैक्सिमा और मिनिमा जो होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है उसका। अब कभी कभी आपसे ना फिजिक्स में आगे आने वाले चैप्टर्स में पूछेंगे इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा, इसका मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, मिनिमम हाइट क्या होगा, मिनिमम कंप्रेशन क्या होगा, वो सब चीज़ें पूछेंगे। दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मिनिमम कब होगा, डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा, वो सब आपसे पूछेंगे। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे इस चौक को मैं मान लो ऊपर फेंकूंगा, तो इस चौक की एक मैक्सिमम हाइट होगी, होगी कि नहीं। तो वो जो हाइट है उसके लिए कंडीशन क्या होगी, कैसे निकालेंगे, वो अपन को निकालना है। जैसे मान लो इस चौक को अगर मैं ऊपर फेंकता हूँ, तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे चौक को मैंने ऊपर फेंका, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट हाइट होगी। तो अगर मैं हाइट का और टाइम का ग्राफ बनाता हूँ, टाइम और हाइट का ग्राफ बनाता हूँ, तो हाइट टाइम पर डिपेंड करेगी। जो चौक की हाइट है, इस हाइट को मैं जीरो मान लेता हूँ, तो शुरू में चौक की हाइट जीरो थी, मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ, फिर ऊपर जाके चौक नीचे आएगा, तब तक टाइम यहाँ पहुंच जाएगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पोजीशन बनाऊंगा तो इस टाइम पे बनाऊंगा, फिर इस पे इस टाइम पे बनाऊंगा, तो चौक का जो हाइट है वो ऐसा हो रहा होगा कुछ, तो ठीक है ना। मतलब इस टाइम पे चौक थोड़ा ऊपर चला गया, हाइट कुछ हो गई, फिर वापस से चौक थोड़ा ऊपर चला गया, हाइट और कुछ हो गई, इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट हो रही है, ये हाइट मैक्सिमम है, एच मैक्स है, और फिर चौक नीचे आ रहा है, वापस से नीचे नीचे, लेकिन टाइम बढ़ रहा है, वापस से पीछे नहीं आएगा ग्राफ, टाइम भी तो बढ़ रहा है ना। जैसे मान लो पूरा ऊपर से नीचे आने में उसको 4 सेकंड लगे, तो ये 4 सेकंड होगा, ये 2 सेकंड होगा, ये 0 सेकंड होगा, बीच में कहीं 1 सेकंड आ रहा होगा, बीच में कहीं 3 सेकंड आ रहा होगा, तो 1 सेकंड में चौक यहाँ पहुंच गया, फिर 2 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, फिर 3 सेकंड पे वापस से यहाँ पे। तो ये अपना बेसिकली फंडा होता है कि मैक्सिमम हाइट पे कंडीशन क्या हो रही होगी। अब बेसिकली देखो, यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे अपन बात कर सके हैं स्लोप की, बात कर चुके हैं, तो अपन लिख सकते हैं मैक्सिमम हाइट की कंडीशन क्या होगी कि स्लोप ऑफ एच टी ग्राफ इज इक्वल टू जीरो। मतलब डी एच अपॉन डी टी अगर मैं लिखूंगा तो ये जीरो आना चाहिए। तो मैक्सिमम हाइट की कंडीशन क्या होगी, डी एच अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। डी एच अपॉन डी टी होता क्या है वो भूल जाओ, वो अपन बाद में कर लेंगे कि डी एच अपॉन डी टी होता क्या है, उसका भी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। बट जब तक अपन ने पिछले लेक्चर में ग्राफ पढ़ा, तो ग्राफ को देख के अपन ये बता सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और ये मालूम कर सकते हैं कि जो एच और टी ग्राफ होगा उसका जो स्लोप होगा वो जीरो होगा, और जीरो जब होगा तब अगर ये ग्राफ ऐसा बन रहा होगा तो उसका हाइट मैक्सिमम होगा। तो जैसे ये सिग्निफिकेंस अपने पास आ गया, तो देखा आपने कैसे मैंने स्लोप को मैक्सिमा मिनिमा फिजिक्स के अंदर मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। एक तो मैंने वहां भी किया था कि वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रही है, वो भी बताने के लिए किया था। एक मैं ये अब जानने के लिए भी कर दूंगा कि मैक्सिमम हाइट कब हो रही होगी। जैसे स्प्रिंग है, मान लो एक स्प्रिंग है, ये ऐसे इससे बंधी हुई है, टक 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 टक, एक ब्लॉक है यहाँ पे रखा हुआ है, और ये एक सरफेस है, ठीक है ना, ये सरफेस है पूरा यहाँ तक। अब मान लो ब्लॉक को मैंने धक्का दिया, बी स्पीड दे दी इस तरफ, एक स्पीड दे दी बी, तो तुमको पता है स्प्रिंग क्या काम करती है, पहले कंप्रेस होगा फिर वापस से दूर चला जाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि मिनिमम इससे ब्लॉक मिनिमम डिस्टेंस पे एक्स, एक्स जो है इनिशियल एक्स कितना था, इनिशियल एक्स इसको लेंथ के बराबर था, एक्स नॉट, एक्स नॉट का मतलब इनिशियल, इनिशियल लेंथ एक्स, या इनिशियल बोल दो एक्स आई, एक्स आई लेंथ के बराबर था। लेकिन तुम्हें पता है एक्स का एक मिनिमम वैल्यू आएगा ही आएगा, एक्स का एक मिनिमम वैल्यू आएगा ही आएगा। तो देखो यहाँ पे मिनिमा की बात हो गई ना, मैं मैक्सिमम और मिनिमा पढ़ा रहा हूँ, तो मिनिमम की बात हो गई। मतलब अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ब्लॉक एंड वॉल, तो जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ब्लॉक एंड वॉल है मिनिमम है, किसका मिनिमम है, डिस्टेंस का मिनिमम है। वापस से अगर मैं डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाऊं, किसका, एक्स का और टाइम के साथ, अब इस केस में ग्राफ उल्टा बन जाएगा, क्योंकि इनिशियली जो डिस्टेंस था वो एल था, एक्स टी इक्वल टू जीरो पे जो डिस्टेंस था वो एल था, तुमको पता है धीरे धीरे डिस्टेंस कम होगा और फिर वापस से डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा किसी पॉइंट पे, ग्राफ आगे भी बढ़ेगा, ग्राफ तो इसका ऐसा बनेगा साइन, मतलब समझ रहे हो, साइन का कर्व बन जाएगा, समझ रहे हो कैसा, क्योंकि ये कंप्रेस हुआ। तो मैंने ये वाला पॉइंट कौन सा लिया है, मैंने ये वाला पॉइंट, इसको ए पॉइंट बोल लो, इसको बी पॉइंट बोल लो, ये बी पॉइंट मिनिमम कंप्रेशन वाला है, कंप्रेस होगा आगे जाएगा, फिर और आगे जाएगा, फिर वापस से पीछे आएगा, ऑसिलेट करता रहेगा, आगे एक सी पॉइंट और बोल दो। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ, थोड़ा सा जिसमें तुम दिख जाए तुमको, तो इसके अंदर क्या हो रहा होगा, जैसे इसका ग्राफ अगर बन रहा होगा टाइम के साथ, अगर इसका एक्स का ग्राफ बन रहा होगा, एक्स क्या है, एक्स है डिस्टेंस बिटवीन ब्लॉक एंड वॉल, तो शुरू में इसका वैल्यू कितना था, एल था, शुरू में इसका वैल्यू कितना था, एल था, किसी टाइम पे ये ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट पे वैल्यू कितना था उसका, एल था, किसी टाइम पे वो बी पॉइंट पे आ जाएगा, फिर वापस से ए पॉइंट पे चला जाएगा, फिर ये ए पॉइंट, ये मैक्सिमम नहीं है, इसके ऊपर जाएगा, ऊपर क्यों जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, सी पॉइंट तक जाएगा, तो यहाँ पे सी पॉइंट तक जाएगा। अच्छा ये भी तुमको पता है सी पॉइंट है कितना होगा, वो देख लेंगे कितना होगा, फिर वापस से नीचे आएगा, ए पॉइंट पे आएगा, फिर वापस से बी पॉइंट पे आएगा, तो समझ रहे हो। तो ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है, ये वाला पॉइंट डिस्टेंस है ना वाई, ये जो एक्स एक्स ये मैंने डिस्टेंस लिया है ना, ये टाइम, तो ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है, ये पॉइंट बता रहा है कि
डिस्टेंस मिनिमम कब है, और ये वाला पॉइंट कब बता रहे हैं डिस्टेंस मैक्सिमम कब है। देखो ये पॉइंट बी पॉइंट है, बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो वॉल से मिनिमम है और सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे क्या हो रहा है, सी पॉइंट पे जो डिस्टेंस हो रहा है मैक्सिमम हो रहा है, फिर वापस से ब्लॉक आ रहा है। दोनों ही केस में देखो ये मिनिमम आ रहा, मिनिमम मतलब मिनिमम, तो मिनिमम हो रहा है तो भी स्लोप जीरो है, मैक्सिमम हो रहा है तो भी स्लोप जीरो है। तो इस पॉइंट की भी कंडीशन क्या होगी, dx upon dt, क्योंकि ग्राफ किसके बीच में, x और t के बीच में, तो इस पॉइंट के लिए कंडीशन क्या होगी, dx upon dt is equal to zero, और इस पॉइंट के लिए भी कंडीशन क्या होगी, dx upon dt is equal to zero। फिर उसके अंदर एक और कंडीशन लेनी पड़ेगी हमको ये चेक करने के लिए कौन सा मिनिमम वाला है कौन सा मैक्सिमम वाला है। तो यार ये सारी चीजें हम पढ़ सकते हैं, इसके अंदर ही पढ़ेंगे हम सारी की सारी चीजें, ठीक है ना। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये बात समझ में आ गई होगी। तो अच्छा इसी क्वेश्चन को वो दूसरे तरह से भी फ्रेम कर सकते थे, व्हाट इज द मिनिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन किस पॉइंट पे हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है, ये हो सकता है व्हाट इज द मैक्सिमम इलॉन्गेशन ऑफ द स्प्रिंग, तो ये हो रहा है, तो ये भी फ्रेम कर सकते थे। तो उसके अंदर भी कंडीशन क्या होगी, dx upon dt is equal to zero। कभी कभी क्या पूछ सकते हैं, एक स्प्रिंग एक ब्लॉक की जगह दो ब्लॉक बोल सकते हैं, जैसे क्या बोल सकते हैं, दो ब्लॉक बोल सकते हैं कि ये दो ब्लॉक है, ये 2 kg का मान लो, ये 3 kg का मान लो, इनका ऑलरेडी कोई डिस्टेंस था वॉल से, ये दूर है थोड़े से ना, यहाँ बना लो इसको, ऐसे बना लो, ये ऐसे है, इसका कुछ तो डिस्टेंस था, वो छोड़ो कितना डिस्टेंस था, मान लो इसकी लेंथ 3 meters की है, और ये मान लो डिस्टेंस ऑलरेडी 2 meters था, ठीक है ना। अब मैंने क्या करा, इसको मैंने स्पीड दे दी 10 meters per second, और इसको मैंने स्पीड दे दी मान लो 5 meters per second दे दी, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो दोनों ब्लॉक आगे जाएंगे, लेकिन ये तेजी से आगे जा रहा होगा, लेकिन स्प्रिंग की प्रॉपर्टी तो क्या है, स्प्रिंग बार बार अपनी नेचुरल लेंथ 3 meters पे आना चाहेगी, तो ये दोनों के दोनों आगे जा रहे होंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ये, समझा रहा हूं मैं ना, बहुत स्प्रिंग दोनों के दोनों आगे जा रहे होंगे, लेकिन दोनों के दोनों ऑसिलेट भी कर रहे होंगे ऐसे टिंग 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 टिंग, तो दोनों आगे भी जा रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, और क्वेश्चन में पूछ रही है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ब्लॉक्स, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक्स। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ टाइम के बाद इसका फिगर बना लिया, कुछ टाइम के बाद ये थोड़ा आगे पहुंच गया यहां पे, और ये थोड़ा और आगे पहुंच गया यहां पे, ये 3 kg है, ये 2 kg, छोटा बना रहा हूं इसको भी आगे बोर्ड में जगह में, इसको मैंने x1 नाम दे दिया, इसको मैंने x2 नाम दे दिया, भाई यहां से डिस्टेंस कितना x1, यहां से डिस्टेंस कितना x2, तो डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक्स कितना हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक्स कितना हो गया, x2 माइनस x1 डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक हो गया। तो इसका भी कुछ ग्राफ बन रहा होगा, x2 माइनस x1 का ऐसे ग्राफ बन रहा होगा, मान लो कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा होगा, तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, मिनिमम डिस्टेंस मतलब x2 माइनस x1 को मिनिमम करना है, ये ग्राफ में किसका बना रहा हूं, x2 माइनस x1 का ग्राफ बना दिया इस बार मैंने, x1 का नहीं x2 का नहीं, दोनों का मिला के ग्राफ बना दिया, क्यों, क्योंकि मेरे को मिनिमम किसका, सॉरी मिनिमम किसका निकालना, डर गया यार मैं, मिनिमम किसका निकालना, डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक्स का निकाल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक्स का अगर मुझे मिनिमम निकालना है, अगर मुझे डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक्स का मिनिमम निकालना है, तो जिसका मिनिमम मुझे निकालना है मुझे उसका ग्राफ बनाना है टाइम के साथ, मुझे किसका मिनिमम निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक्स, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक्स, x2 माइनस x1, सो व्हाट इज द ग्राफ, व्हाट द ग्राफ आई एम मेकिंग इज x2 माइनस x1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस ग्राफ विल बी इन अ वेव फॉर्म। तो इसका मिनिमम कब होगा, इसका मिनिमम कब होगा, ये क्या है x2 माइनस x1, इसको y बोल दो, तो इसका मिनिमम कब होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वापस से स्लोप जीरो हो रही है, व्हाट इज स्लोप, डिफरेंशिएशन ऑफ ये अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, मतलब इस पॉइंट पे वापस से क्या कंडीशन आ रही होगी, d ऑफ x2 माइनस x1 अपॉन dt इज इक्वल टू 0, d ऑफ x2 माइनस x1 अपॉन dt इज इक्वल टू 0। एक्चुअली अब d ऑफ x2 v2 होता है, d ऑफ x1 v1 होता है, वो अपन पढ़ेंगे क्यों होता है, कब होता है काइनेमेटिक्स के अंदर, बट ये कंडीशन समझ में आनी चाहिए, तब तुम जाके आगे सवाल कर सकते हो सारे के सारे। दूसरे इसके अंदर कंडीशन मोमेंटम कंजर्वेशन से लेंगे, स्प्रिंग की एनर्जी से लेंगे, जो भी लेंगे वो एक अलग बात है, बट मिनिमम मैक्सिमम कंडीशन जो भी है वो तुमको इससे समझना पड़ेगा। तो इसलिए मिनिमम मैक्सिमम फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम मैक्सिमम फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक और प्रॉब्लम करते हैं अपन, जैसे मान लो ये दो एक्सेस हैं, एक्स और वाई एक्सेस, ठीक है ना, या दो डायरेक्शन है ईस्ट और नॉर्थ, दो दोस्त थे राम और श्याम, ठीक है ना, तो राम, अच्छा श्याम यहां पे था ऑलरेडी, और राम यहां पे था, इस डिस्टेंस को मान लो 100 meters, कितना मीटर्स, 100 meters, ठीक है ना। श्याम ने राम से कुछ पैसे उधारे ले रखे थे, पैसे की बात तुमको समझ में आती है, श्याम ने राम से कुछ पैसे उधारे ले रखे थे, तो वैसे भी 100 meters तक हमको थोड़ा दिखाई देता है, हाँ, कौन क्लियर है, तो राम को जैसे ही श्याम दिखा, राम श्याम की तरफ दौड़ा चलाया किस स्पीड से, मान लो 5 meters per second से दौड़ना चालू कर दिया, 5 meters per second बहुत ज्यादा स्पीड होती है, कम नहीं होती है, 5 meters per second मतलब 1 meter में तुम 5 meters, मतलब बहुत तेज स्पीड होती है 5 meters per second, है ना, दौड़ा चला एकदम तेजी से, और क्योंकि शाम है, शाम को भागना था, लेकिन शाम को है ना आगे रास्ता ही नहीं है, आगे रास्ता ही नहीं, ठीक है, आगे रास्ता हटा दिया मैंने, रास्ता ऐसे ही टी रोड है, टी, तो शाम भागता हुआ भाग गया आगे की तरफ, शाम आगे भाग रहा है किस स्पीड से, वो 5 meters per second, इंसान की स्पीड दोनों के बराबर ही है 5 meters per second, तो पकड़ तो पाएगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, ये आगे जाएगा तो पीछे रह जाएगा,
लेकिन कभी ना कभी एक है ना मिनिमम डिस्टेंस रहा होगा दोनों के बीच में, मतलब बीच में झाड़ फूस जो भी है। लेकिन अगर हम बात करें कि इनिशियल डिस्टेंस क्या था, 100, बाद में इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो डिस्टेंस वापस से 100 हो जाएगा। लेकिन बीच में कभी ना कभी मिनिमम डिस्टेंस रहा होगा दोनों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 सेकंड की बात कर लें, तो 1 सेकंड बाद इसका डिस्टेंस क्या बन गया, 95, और इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 5। अगर तुम अंडर रूट ऑफ 95 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करोगे, इस डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा मैं, दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, दोनों के बीच में मिनिमम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो 95 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जो होगा 100 से कम आ जाएगा, तुम देखोगे लेस देन 100 आ जाएगा। तो मैं पूछ रहा हूँ कि दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या रहा होगा, समझ रहे हो क्वेश्चन? तो हम मान लेते हैं किसी टाइम के बाद ये आगे चला गया, टाइम टी हो चुका है, तो ये कितना आगे गया होगा टाइम टी के अंदर, 5 × t, यहां पहुंच गया ये एस डैश, और ये कितना नीचे आया होगा, ये नीचे आया होगा, ये भी नीचे आया होगा 5 × t, तो ये कितना नीचे आ गया, 5 × t, तो ये डिस्टेंस कितना बच गया, 100 − 5 t। बात समझ में आ रही है? ये इस पॉइंट को बोल दो तुम आर डैश, इस पॉइंट को बोल दो एस डैश, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये 5 t नीचे आया, 5 t आगे चला गया इस पॉइंट से, ये 5 t नीचे आ गया, तो ये डिस्टेंस कितना बच गया, 100 − 5 t, और ये डिस्टेंस कितना है, 5 t। इन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन दूरी कितनी होगी, ये वाली, मतलब अगर मैं ये ट्राइंगल देखूंगा तो ये कितना है 5 t, ये कितना है 100 − 5 t, दूरी कितनी होगी दोनों के बीच में, अंडर रूट ऑफ 5 t का स्क्वायर प्लस 100 − 5 t का स्क्वायर। ठीक है, देखो क्या होगा, धीरे धीरे t इक्वल टू 0 पे 100 आंसर है इसका, t इक्वल टू 10 पे या फिर t इक्वल टू 5 टू जो है ना 20 मान लो, तो t इक्वल टू 20 पे इसका आंसर क्या है, ये 0 बन जाएगा, वापस से 100 बन जाएगा। t इक्वल टू 20 पे क्या होगा, दिस विल बिकम 5 इनटू 20, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 5 इनटू 20, 100, 100 का स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो 100, वापस से 100 बन जाएगा। तो क्या हुआ होगा, बीच में दूरी कम हुई होगी और फिर वापस से बढ़ी होगी, बीच में दूरी कम हुई होगी वापस से बढ़ी होगी, तो अगेन ये फंक्शन बन गया, इसको मिनिमाइज करना है तुमको, तो इसका मिनिमम निकालना है तुमको, इसका मिनिमम, तो अगर ये फंक्शन है इसका मिनिमम निकालना है, इसका मतलब ये फंक्शन नीचे की तरफ ही जा रहा होगा, मैक्सिमम तो निकालना नहीं है, मिनिमम होगा, तो ये फंक्शन है, इसको मैं वाई लिख रहा हूँ, वाई, तो अगर तुम इस फंक्शन को वाई बनाते हो टाइम के साथ, इसको सिंपल सा क्या करना है, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 कर देना है, तो इसका मिनिमम आंसर आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 कर देना है। अच्छा एक और चीज बताओ, रूट के अंदर चीज अगर 0 है, मतलब रूट वाली चीज 0 है, तो रूट के अंदर की भी मतलब मिनिमम होगी, अगर रूट वाली चीज मिनिमम है तो अंदर वाली चीज भी मिनिमम होगी, तो इसका मतलब तुमको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, 5 t का होल स्क्वायर प्लस 100 − 5 t का होल स्क्वायर, इसको मिनिमम करना है, अगर इसके रूट को मिनिमम करना है, मतलब इसको मिनिमम करना है, तो डी बाय इस होल का dt निकालना है, इसको 0 पुट कर देना है। इस फंक्शन का मिनिमम मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 0, इस फंक्शन का मिनिमम मतलब इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0, इसका आंसर 10 आएगा, वो भी समझा दूंगा शॉर्टकट क्यों आएगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो 5 t का स्क्वायर है, तो किसी चीज का स्क्वायर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दैट थिंग, ट्वाइस ऑफ दैट थिंग, काम पूरा नहीं हुआ, काम बचा है अभी, 5 t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 × x का क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में 5 होता है, तो इनटू 5 प्लस 2 × समथिंग, समथिंग का स्क्वायर, समथिंग का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2 × समथिंग, इनटू अंदर कुछ चीज बचेगी, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 100 का, तो 0 हो जाएगा, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, व्हाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बिकॉज कांस्टेंट फंक्शन मतलब स्ट्रेट स्लोप, इससे स्ट्रेट स्लोप का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 माइनस, अब ये 5 t है, तो 5 t का डिफरेंशिएशन 5 आ जाएगा, तो देखो क्या बन जाएगा अपने पास, 10 t, 5 × 10, 10 to 50 t माइनस 2, ये स्क्वायर नहीं है, 2 × 5 = 10, 100 माइनस 5 t इज इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0, तो इसको इक्वल कर दो, ये 5 से गया, तो 5 t इज इक्वल टू 100 − 5 t, तो t आ गया 10। ठीक है, तो ये सारे फंडे होते हैं, सारी एप्लीकेशंस होती है अपने मिनिमम मैक्सिमम की, सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना, अपन एससीवी का पढ़ लेते हैं पूरा की पूरा फंडा, क्या होता है मिनिमम मैक्सिमा, तो बेसिकली 10 सेकंड में उसका डिस्टेंस जो होगा मिनिमम होगा, इसको अपन रिलेटिव वेलोसिटी से भी कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, इस प्रॉब्लम को करने के 2 तरीके होते हैं, इस प्रॉब्लम को करने के 2 तरीके होते हैं, पहला तरीका ये था जो मैंने बताया, दूसरा तरीका अपन रिलेटिव वेलोसिटी से करेंगे, अगर एससीवी के अंदर ये प्रॉब्लम आएगा तो अपन कर लेंगे, नहीं आएगा तो मैं बता चुका हूँ कैसे करेंगे, तो इस प्रॉब्लम को और थोड़ा सा देख लेंगे, इसको इसके बाद देख लेंगे, थोड़ा सा पहले ये पढ़ लेते हैं। अब सपोज ए क्वांटिटी वाई डिपेंड्स ऑन अनदर क्वांटिटी एक्स इन ए मैनर शोन इन द फिगर, तो वाई और एक्स के बीच में रिलेशन है,
ऐसा ग्राफ है, ठीक है, इट बिकम्स मैक्सिमम एक्स वन पे मैक्सिमम बन रही है ये, एक्स टू पे मिनिमम बन रही है ये। ऐसा भी हो सकता है क्वांटिटी दो या तीन बार मैक्सिमम मिनिमम बन रही हो, तो उस केस में अपन एक चीज डिफाइन करते हैं, लोकल और ग्लोबल, लोकल और ग्लोबल। यार ये कहाँ जाएगा अभी ये पता ही नहीं, लोकल और ग्लोबल, ठीक है। एट दिस पॉइंट द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ये क्या बता रखा है, वाई और एक्स ग्राफ है कुछ, तो ऐसा ग्राफ था, ऐसा ग्राफ था, तो इस पॉइंट पे एक्स वन पे बोला और एक्स टू पे बोला कि स्लोप जो है वो कितनी है, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, टेन थीटा इक्वल टू जीरो, बट द स्लोप इज इक्वल टू डीवाई अपॉन डीएक्स, तो डीवाई अपॉन डीएक्स किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, डीवाई अपॉन डीएक्स किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इन्होंने तो बहुत सस्ते में निपटा दिया, अपन थोड़ा अच्छे से देख रहे हैं चीजों को, डीवाई अपॉन डीएक्स किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी हो जाएगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे भी हो जाएगा। जब तुम मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, मैथमेटिक्स में तुम कुछ चीजें और पढ़ते हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा ग्राफ हो सकता है, ऐसा ग्राफ मान लो, तो इसमें दो मिनिमा आ गए, यहीं तक मान लो, दो मैक्सिमा आ गए, ऐसा मान लो, दो मैक्सिमा आ गए, इस वाले को बोलते हैं लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल सॉरी लोकल मैक्सिमा, इसको बोलते हैं ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब पूरे ग्लोब का, पूरी दुनिया का मैक्सिमम है ये, इस ग्राफ को जहां तक लेके जाओगे पूरी दुनिया में मैक्सिमम ये आ रहा है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम मतलब हमेशा ये नहीं होता कि लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम भी हो सकता है, ग्लोबल मैक्सिमम, ये अलग अलग डिफाइन, जैसे डॉन होते हैं कुछ अपने कॉलोनी के डॉन होते हैं, छुट्टन भैया हो गए, जैसे दीपू हटेला हो गया, लंबू कटेला हो गया, ये सब अपनी सोसाइटी के, अपनी कॉलोनी के, अपनी जो लोकेलिटी होते हैं उसके डॉन होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ग्लोबल लेवल पे डॉन होते हैं, सद्दाम हुसैन हो गया, ओसामा बिन लादेन हो गया, है ना। तो ये क्या है, लोकल मैक्सिमा, और लोकल मैक्सिमम मतलब एक सबसे बड़ा मैक्सिमम, बाकी मान लो और रहेंगे इससे छोटे ही रहेंगे, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, बट इससे इससे ऊपर किसी का वैल्यू नहीं है, सबसे ऊपर इसका वैल्यू होता है ग्लोबल मैक्सिमम। तो डॉन मान लो, ये अपनी पूरी दुनिया का डॉन है, ये अपनी छोटी मोटी लोकलिटी, आजकल कोची में भी डॉन डॉन होते हैं वैसे। एक आज में 2019 अभी चल रहा है, और मैं तुमको अगर बताऊं कि आज से 2 या 2.5 साल 3 साल पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें कोचिंग का ओनर बोलता था, मैं इस कोचिंग इंडस्ट्री का डॉन हूँ, मैं चाहूँ तो सबकी ऐसे बजा सकता हूँ, पता नहीं क्या ही था वो मतलब। तो तभी तय कर लिया था मैंने कोचिंग छोड़नी है यार, मतलब कोचिंग इंडस्ट्री, मतलब कोचिंग मतलब यार कोचिंग छोड़ो ना, पढ़ाना, पढ़ाना मतलब डॉक्टर पढ़ाना, इन सबको मैं नोबल प्रोफेशन मानता हूँ, कि यार इसमें भी डॉन होने लग गए, बाद में पता करा डॉक्टरों का डॉन आ गया कोई, कि मैं डॉक्टरों का डॉन हूँ, फिर उसके अंदर पता पड़ा मैं हार्ट सर्जन का डॉन हूँ, मैं ब्रेन सर्जन का डॉन हूँ, मैं जनरल फिजिशियंस का डॉन हूँ, मैं इसका डॉन हूँ, मैं उसका, सब इनके भी डॉन आने लग गए मतलब। तो यार वो उस दिन काफी गंदा लगा था मुझे, मतलब मुझे खुद पे शर्म आ रही थी तब, मतलब मेरे को पढ़ाते हुए 8 साल हो गए थे, तो मुझे खुद पे शर्म आती थी कि यार ये मतलब अगर मैं एक इंडस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ जिसके अंदर भी डॉन होते हैं तो मुझे काम नहीं करना मतलब, है ना। तो छोड़ दिया था मैंने, तो मैं कर रहा हूँ कुछ कुछ ऐसे ही मतलब बना रहा हूँ, ठीक है। डॉन होंगे वो तो डॉन, कुछ लोग हैं जो डॉनों के नीचे काम करते हैं, मैं डॉन के नीचे काम नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी का तो पता नहीं, दुनिया का, कॉलोनी का, सोसाइटी का, मतलब खुद की नजर में तो मैं ही डॉन हूँ मतलब, है ना, मतलब डॉन मतलब खुद ही के हिसाब से, मतलब ज्यादा किसी के ऊपर नहीं, मतलब खुद के ऊपर तो मैं ही डॉन हूँ, मतलब सीधी सी बात है, मेरे ऊपर कोई डॉन नहीं है, ये बात है बेसिकली, है ना। तो ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मैक्सिमम मतलब पूरी दुनिया का डॉन, और लोकल मैक्सिमम मतलब अपनी लोकेलिटी का, सोसाइटी का, जो छोटे मोटे कॉलोनी में बच्चे होते हैं उनमें से कोई बन जाता है कि हाँ मैं डॉन हूँ मतलब, है ना, ठीक है। तो ये ग्लोबल मैक्सिमम, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमम, ये सब बात हो गई, इसका यूज क्या था मैंने ये भी समझा दिया तुमको, ठीक है ना। अब हाँ, अब हमने बात की थी कि दो चीजें हैं, एक तो ये और एक ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है, ये वाई है, ये एक्स है, यहां भी डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है, जीरो, और यहां भी डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है, जीरो, तो दोनों ही कंडीशन पे जीरो है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ तो तरीका होना चाहिए जिससे मैं डिफ्रेंशिएट कर सकूं, डिफ्रेंशिएट मतलब अंतर पैदा कर सकूं कि मिनिमा कौन सा है, मैक्सिमा कौन सा है। तो तुम बोलोगे, तुमको एक डिफरेंस दिख रहा होगा कि एक का मुंह नीचे की तरफ है, मतलब एक ऐसा शेप्ड है, एक ऐसा शेप्ड है, इसी डिफरेंस को हम मैथमेटिक्स के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, समझो इस चीज को, मैं समझाता हूँ। देखो इस पॉइंट को देखो, पहले केवल मैक्सिमा को देख लेते हैं, मैक्सिमा मतलब ये वाला, और इस मिनिमा अलग से बना लेते हैं, मैक्सिमा को देखते हैं पहले। तो ये मैक्सिमा था, यहाँ पे स्लोप बिल्कुल बेशक जीरो है, डीवाई अपॉन डीएक्स क्या है, जीरो है, लेकिन यहाँ पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, और यहाँ पे स्लोप कैसा है, नेगेटिव, इसको कितना भी जूम कर लो हमेशा ऐसा ही बनेगा। इसका मतलब मैक्सिमा, ये मैक्सिमा है ना, ग्लोबल और लोकल, जो मैक्सिमा एक ऐसा पॉइंट है जहां पे स्लोप पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो होगा, फिर नेगेटिव हो रहा है,
मैक्सिमा एक ऐसा पॉइंट है जहां पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव था, फिर जीरो है, फिर नेगेटिव हो रहा है, मतलब स्लोप डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। अब मैं कर्व की बात नहीं कर रहा, कर्व तो यहां पे ऐसा है, लेकिन जो स्लोप है, स्लोप स्लोप, इसकी स्लोप की बात कर रहा हूं मैं। स्लोप जो है वो पहले एक्चुअली तो जीरो है स्लोप, लेकिन स्लोप थोड़ा सा पहले क्या था, पॉजिटिव, थोड़े से बाद क्या है, नेगेटिव। स्लोप जो है डीवाई अपॉन डीएक्स तो जीरो है, डीवाई अपॉन डीएक्स तो जीरो है, लेकिन जो स्लोप पहले था वो कितना था पॉजिटिव, स्लोप बाद में कितना नेगेटिव। स्लोप जीरो है इस पॉइंट पे, लेकिन इस पॉइंट से थोड़ा सा पहले स्लोप कितना था पॉजिटिव, इस पॉइंट से थोड़ा सा बाद स्लोप कितना है नेगेटिव। तो स्लोप कहां से कहां गया, पॉजिटिव से जीरो हुआ, फिर जीरो से नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव से जीरो, जीरो से नेगेटिव, मतलब जो स्लोप है वो तो डिक्रीज कर रहा है ना, स्लोप है जीरो। यार एक चीज बताओ, कोई चीज जीरो है लेकिन डिक्रीज नहीं कर सकती क्या? तुम्हारे नंबर जरूरी थोड़ी जीरो ही आए किसी एग्जाम में, माइनस भी तो आ सकते हैं, पॉजिटिव आ सकते हैं, गलत बात है, लेकिन माइनस भी तो आ सकते हैं। ठीक है, कोई चीज जीरो डिक्रीज तो कर ही सकती है ना, कम तो हो ही सकती है ना, नेगेटिव में तो जा ही सकती है ना, पॉजिटिव में भी जा सकती है, इंक्रीज भी कर सकती है। अब गाड़ी है, गाड़ी का डिस्टेंस मान लो एक पेड़ खड़ा हुआ है यहाँ पे, पेड़ ऐसे नहीं खड़ा होगा, पेड़ ऐसे खड़ा होगा, ऐसे ये पेड़ खड़ा है यहाँ पे, है ना, यहाँ यहीं पे गाड़ी खड़ी है तुम्हारी, पेड़ के बगल में, तो गाड़ी का डिस्टेंस पेड़ से कितना है, जीरो है, इस एक्सिस को तुमने पॉजिटिव माना, तो गाड़ी आगे है, मतलब गाड़ी का डिस्टेंस जीरो है, लेकिन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, नेगेटिव में भी जा सकता है, पॉजिटिव में जा सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेसिकली। तो बेसिकली क्या, स्लोप जो है वो कम हो रही है, स्लोप है जीरो लेकिन स्लोप कम तो हो रही है ना, स्लोप जीरो है लेकिन स्लोप कम हो रही है, स्लोप जीरो है लेकिन स्लोप कम हो रही है, स्लोप जीरो है लेकिन स्लोप क्या हो रही है, कम हो रही है, स्लोप इज जीरो बट स्टिल द स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज जीरो बट स्टिल द स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो अगर मैं बोलूं स्लोप इज डिक्रीजिंग, इसको मैथमेटिकल फंक्शन में कैसे लिखेंगे, डी ऑफ डी एक्स ऑफ स्लोप इज लेस देन जीरो, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, व्हाट इज दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू जीरो, डीवाई बाई डी इज इक्वल टू जीरो एट दिस पॉइंट, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, स्लोप पॉजिटिव से जीरो जा, नेगेटिव जीरो के नेगेटिव जा रही है, मतलब जो स्लोप चेंज हुई एक्स को बढ़ाने पे, स्लोप क्या हो रही है, स्लोप का रेट ऑफ चेंज क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो, डी ऑफ डी एक्स ऑफ डी वाई ऑफ डी एक्स इज लेस देन जीरो, डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप इज लेस देन जीरो, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज लेस देन जीरो, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, इसको अपन लिखने का एक तरीका है बस, और कुछ नहीं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका कोई मतलब नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है, ये नहीं है, ये मैं हमेशा गलत मानता हूँ, इसको ऐसा लिखना नहीं चाहिए, बट पूरी मैथमेटिक्स ऐसे बना रखी है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते अभी के लिए, तुम अगर ये भी मत लिखो, तुम ये लिख लो कि डी बाई डी एक्स, जो ये लिखा होगा ना, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज लेस देन जीरो, इसको चाहे इसको भूल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, याद रखना है तो याद भी रख सकते हो। तो मैक्सिमम की दो कंडीशन हो गई कि मैक्सिमम पे पहले तो स्लोप जीरो होना चाहिए, वो तो वही कंडीशन, वो मिनिमम की कंडीशन भी है, लेकिन मैक्सिमम की दूसरी कंडीशन क्या है, मैक्सिमम की दूसरी कंडीशन है कि जो स्लोप है वो पॉजिटिव था, जीरो हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, मतलब स्लोप का जो रेट ऑफ चेंज है वो नेगेटिव है, मतलब स्लोप डिक्रीज हो रही है, मतलब टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज लेस देन जीरो, ये मैक्सिमम की कंडीशन है। ठीक है, इसको मेरे को याद नहीं रहती, मैं बिल्कुल याद नहीं करता, मैं सिंपल देखता हूँ, मैक्सिमम पे ऐसा हो रहा होगा तो मतलब स्लोप कम हो रही होगी, स्लोप पहले ऐसे थी फिर जीरो थी फिर कम हो रही है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या नेगेटिव है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप नेगेटिव है, और डी वाई अपॉन डी एक्स तो जीरो होता ही है। अगर तुमको ये समझ में आ गया तो मिनिमम कंडीशन तुम बड़े आराम से निकाल सकते हो, मिनिमम होता है, दिस इज मिनिमा, किसी ग्राफ के अंदर ये मिनिमम होता है, ये मिनिमम पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इज मिनिमम, ये वाला पॉइंट मिनिमम है, यहाँ पे स्लोप क्या थी नेगेटिव, यहाँ पे स्लोप क्या है जीरो, यहाँ पे स्लोप क्या है पॉजिटिव, तो स्लोप जो है वो क्या हुई, स्लोप पहले नेगेटिव थी फिर जीरो हुई फिर पॉजिटिव हुई, तो स्लोप क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, अगर स्लोप इंक्रीज कर रही है इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज मोर देन जीरो, तो मिनिमम की दो कंडीशन हो गई कि डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, और डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज मोर देन जीरो, ये मिनिमम की कंडीशन हो गई। ठीक है, तो जैसे मैक्सिमम मिनिमा का यही हो गया कि हाइट को इन्होंने टाइम के साथ एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया ना हाइट का अपन ग्राफ बना सकते हैं, तो इन्होंने बोला कि हाइट का जो फंक्शन है वो क्या है, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये तुमने देखा हुआ भी होगा, 10th क्लास में करा भी हुआ होगा, 9th क्लास में, टेंथ क्लास में करा हुआ होगा, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी को 9.8 दे रखा है, कांस्टेंट है, हाइट रीच्ड इन टाइम टी बाय पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड यू, यू स्पीड से अगर मैं फेंकूंगा तो उसकी हाइट कितनी होगी किसी भी टाइम पे, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये एक कांस्टेंट है, ये एक नंबर है, ये पूरा एक कांस्टेंट है, मतलब टाइम और टाइम पर डिपेंड कर रहा है,
ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। तो अपन दो काम करेंगे, अपन हाइट भी निकाल लेंगे मैक्सिमम और टाइम टेकन भी निकाल लेंगे। तो मेरे को क्या पता है हाइट का अगर मैं कर्व बनाऊंगा मैक्सिमम की बात की, ऑब्वियसली नीचे से जाके ऊपर जा रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा कर्व, ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, इतना मत सोचना भी कैसे होता है, ये भी करते हैं मैथमेटिक्स में क्लास 12th के अंदर, बट उसके लिए अलग से पूरा एक चैप्टर है, चार पांच लेक्चर लग जाएंगे 2-3 घंटे के, तो कोई मतलब नहीं है। अभी इतना समझ लो मैक्सिमम निकालना है, इसलिए इसका मतलब कर्व जो होगा वो किसी पॉइंट पे ऊपर जा रहा होगा, इस पॉइंट पे dH by dt कितना हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा, बिकॉज अगर आपने एच और टी का बनाया तो dH by dt कर लो, तो ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, तो इसका क्या बन जाएगा, dH by dt क्या बन जाएगा, dH by dt बन जाएगा u, क्योंकि t की पावर 1 है, t की पावर 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 into t की पावर 1 minus 1 minus half g as it is because कॉन्स्टेंट है, into t square, t square का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 into t की पावर 2 minus 1, तो ये क्या बन गया, देखो u into t into 1 minus 1 t की पावर 0 मतलब 1 बन जाएगा, माइनस ऑफ हाफ से हाफ कैंसिल हो गया तो कितना बन जाएगा, जी टी 2-1 कितना बन जाएगा, 1, तो ये 0 के बराबर आना चाहिए, मतलब टाइम कितना आ जाएगा, यू बाय जी। तो आज हमको क्या पता पड़ा, हमको पता पड़ा कि जब ऊपर जाता है पार्टिकल और नीचे आता है तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है, यू बाय जी। बाद में तुम देखोगे नीचे आने में भी यू बाय जी लगता है, और टोटल जो टाइम लगता है ऊपर से नीचे आने में फेंका तो 2 u/g लगता है, बट द पॉइंट इज कि इसको हम मैथमेटिक्स के टर्म्स में कैसे बोलेंगे वो इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज आगे की फिजिक्स हम मैथमेटिक्स के टर्म्स में थोड़ी बहुत करने वाले हैं, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत करने वाले हैं। तो ये काम इसमें करा हुआ है, कटाक 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 पकाट, तो टी कितना आ गया, यू बाय जी। अगर तुमसे ये पूछते कि मैक्सिमम हाइट का वैल्यू कितना है, तो इसको अपन इसमें डाल देते और अपन निकाल लेते एच इज इक्वल टू यू इंटू यू बाय जी माइनस हाफ इंटू जी इंटू यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, है ना, यू बाई जी का होल स्क्वायर, तो ये जी से जी स्क्वायर के, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन जी, तो कितना जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g अपने पास आंसर आ जाएगा। ये मैक्सिमम हाइट का वैल्यू होता है, मतलब इस पॉइंट पे जो हाइट का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, यू स्क्वायर बाय 2g, अगर इस चीज को अपन ने जी से चालू किया था, तो मतलब यहाँ से चालू किया था तो टी इक्वल टू 0 से, ठीक है ना, ये टी इक्वल टू 0 है तो ये टी कितना आएगा, ये टी आएगा टी इज इक्वल टू यू बाय जी, और सिमेट्री से ये कितना जाएगा, टी इज इक्वल टू 2u/g, ये हाइट कितनी है, ये हाइट है यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये था अपना मैक्सिमा मिनिमा। नेक्स्ट अपन करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस, जो कि एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट रहेगा अपने आगे आगे आने वाले चीजों के अंदर, और ज्यादा टफ वाली चीज नहीं पढ़नी अपन को, फिजिक्स में जो फंक्शन आते हैं सिंपल आते हैं, तो अभी के लिए इतना और जान लो मैक्सिमा मिनिमा के अंदर कि कोई भी चीज जो वेरी करेगी, और जरूरी नहीं है उसमें मैक्सिमा हो मिनिमा हो, जरूरी नहीं है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे मान लो ये लाइन है, जैसे मान लो इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x, है ना, लाइन की इक्वेशन हो सकती है ना, y इज इक्वल टू 5x, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जब y और x के अंदर सेम पावर होता है तो लाइन की इक्वेशन बनती है, तो इसमें तो मैक्सिमा इन्फिनिटी भी आएगा ना, जाता जाएगा, ऐसा बनेगा ही, जरूरी नहीं है किसी ग्राफ का हमेशा मैक्सिमा या मिनिमा हो। तुम डिफरेंशिएट करके देख लो, y इज इक्वल टू 5x को अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो, dy बाय dx क्या आएगा, 5 आएगा, क्या 0 हो सकता है, या 0 हो ही नहीं सकता, मतलब इसमें कभी भी लूप नहीं बनेगा ऐसा, ना ऊपर मुंह बनेगा ना नीचे मुंह बनेगा, तो ये जो ग्राफ है इसके अंदर कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा, इनफाइनाइट इसका मैक्सिमा है और माइनस इनफिनिटी इसका मिनिमा है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना, तो स्ट्रेट लाइन का कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं होता, तो जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन का कोई मैक्सिमा हो मिनिमा हो, कुछ नहीं होगा, जरूरी नहीं है कुछ कोई मिनिमा या मैक्सिमा नहीं होगा, ठीक है, तो ये फंडा है पूरा की पूरा। तो ये अपना मैक्सिमा मिनिमा का चैप्टर था, मेरे हिसाब से काफी कर लिया अपन ने, डिफरेंशिएशन के काफी सवाल अपन ने कर लिए, मैक्सिमम मिनिमम जो भी सवाल है वो आ ही जाएंगे एग्जांपल्स के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर, तो अपन इसको चैप्टर को भी इतना ही कर लेते हैं, और मैक्सिमम मिनिमम के मैंने एग्जांपल्स भी बता दी तुमको, मैं वो एग्जाम्पल वापस बता देता हूँ जो मैंने बताया था, कि ये 100 मीटर है, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक यहाँ खड़ा है पॉइंट, एक बी पॉइंट यहाँ खड़ा है, बी इस तरफ जाना चालू करता है 5 मीटर्स पर सेकंड से, ए नीचे की तरफ आना चालू करता है 5 मीटर्स पर सेकंड से, दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस 100 मीटर है, तो मुझे बताना है दोनों के बीच में मिनिमम दूरी कितनी होगी। तो अपन अज्यूम कर लेंगे किसी पॉइंट के बाद बी यहाँ पहुंच गया बी डैश, ए यहाँ पहुंच गया ए डैश, इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 5t, बिकॉज टाइम टी की बात कर रहा हूँ मैं, टाइम टी के बाद की बात कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी हो जाएगा 5t, तो ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा, ये डिस्टेंस बच जाएगा 100 - 5t, तो ये जो दूरी है ये दूरी कितनी हो जाएगी, ए डैश बी डैश कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5t का होल स्क्वायर प्लस 100 - 5t का होल स्क्वायर। इसको अपने डिफरेंशिएट कर लिया था, अपना टाइम कितना आ गया था, अपना टाइम आ गया था 10 सेकेंड्स। मैं इसका शॉर्टकट बताने वाला हूँ बस तुमको, इसका शॉर्टकट ये है कि अगर तुमको इसको डिफरेंशिएट नहीं करना, इतना लंबा छोटा काम नहीं करना, तो तुम क्या करो, तुम देखो फंक्शन सिमेट्रिक है, ये जो चीज है इसका स्क्वायर
इसके स्क्वायर्ड माइनस हो रहा है। तो जब भी फंक्शन सिमेट्रिक होता है ना, तो हमेशा आंसर क्या आ जाता है, आंसर ऐसा आता है कि इस चीज को तुमको इक्वली डिवाइड करना है इसमें और इसमें, इस चीज को तुमको इक्वली डिवाइड करना है इसमें और इसमें, समझ रहे हो। जैसे अच्छा इसका मतलब समझ रहे हो, टी इक्वल टू 10 सेकंड में ऊपर देख लेते हैं, पहले हुआ क्या, 5t कितना बन गया 50, मतलब ये चीज 50 बन गई और ये चीज भी कितनी बन गई 50। तो 50 50 और दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना आ गया 50√2। इसको अपन रिलेटिव वेलोसिटी से भी करेंगे बाद में, अगर इसके अंदर क्वेश्चन आएगा तो मैं कर दूंगा, नहीं आएगा तो मैं चैप्टर के बाद जो काइनेमेटिक्स चैप्टर उसके बाद अलग से क्वेश्चन लेके कर दूंगा, है ना। बट अच्छा क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है एक्चुअली, है ना, रिलेटिव से करते हैं बहुत आसान पड़ जाता है, ऐसे भी आसान ही है। तो 50√2 इसका मिनिमम डिस्टेंस हो गया। अब मैं थोड़ा एग्जाम्पल्स और बताता हूँ, शॉर्टकट के एग्जाम्पल्स बताता हूँ, ये शॉर्टकट्स कहीं नहीं मिलेगी तुमको, फटाफट से देख लो। जैसे एक्स इंटू 10 माइनस एक्स, मैं एक्स इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक की बात करता हूँ कि अब देखो एक्स इंटू 0 माइनस एक्स की वैल्यू, एक्स इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, 0। एक्स इक्वल टू 10 पे कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, 0। तो एक्स इक्वल टू 0 टू 10 की बात कर लेते हैं अपन, एक्स इक्वल टू 0 टू 10। तो एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 है, एक्स इक्वल टू 10 पे वैल्यू 0, और कहीं भी जैसे एक्स इक्वल टू 1 की बात कर लेते हैं तो कितनी वैल्यू, 1 × 9 पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब इस फंक्शन का जो ग्राफ बन रहा होगा, ये फंक्शन वाई है, इस फंक्शन का जो ग्राफ बन रहा होगा एक्स के टर्म्स में वो ऐसा बन रहा होगा, 10 पे 0 आ रहा होगा, 0 पे 0 आ रहा होगा, एक्स इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, एक्स इक्वल टू 10 पे इसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि ये पॉइंट पकड़ के मैंने डायरेक्टली डाल दिया, और कहीं भी बीच में अगर मैं देखूंगा वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब इसका जो ग्राफ बन रहा होगा ऐसा बन रहा होगा, मतलब इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, डीवाई अपॉन डीएक्स को 0 पुट कर देंगे, बट मैं आंसर डायरेक्टली निकाल लेता हूँ इसको देख के, क्योंकि इक्वेशन सिमेट्रिक है एक्स और 10 माइनस एक्स में, इसलिए जो एक्स होगा वो बीच का आंसर होगा, बीच का आंसर होगा मतलब एक्स इक्वल टू 5 ही आंसर होगा इसका। जिस मैंने एक फटाफट से कैलकुलेशन लगा दी, फटाफट से मैंने इसको सॉल्व कर लिया, एक्स इक्वल टू 5 इसका आंसर होगा, ठीक है। ये केवल सिमेट्रिक कंडीशंस में काम करेगा, सिमेट्रिक में भी इसलिए काम करेगा बिकॉज फिजिक्स के अंदर सिमेट्रिक कंडीशंस आ जाएंगी बेसिकली, है ना, इसलिए अपन ने कर लिया इसको, जनरली काम नहीं करेगा। वैसे मेरे को और भी तरीके आते हैं कैसे करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर और 10 माइनस एक्स की पावर 3 होता तो इसको अपन इस पर डिवाइड करते कि इसकी वैल्यू 6 बन जाए और इसकी वैल्यू 4 बन जाए, तुम चाहे ऐसे करके देख लेना, बट द पॉइंट इज ना ऑब्वियसली बात है ना कि एक्स की वैल्यू 4 बनेगी तो 10 माइनस एक्स 6 बन जाएगा, तो इसको 2:3 के रेशियो में अपन डिवाइड कर देंगे इस ब्लॉक को इस ब्लॉक को, बट अभी दोनों की दोनों ब्लॉक बराबर थे इसलिए मैंने दोनों को 5, इसको भी 5 रख दिया। तो दो ब्लॉक्स का अगर मल्टीप्लीकेशन है और उसका मिनिमम निकालना है तो उसको उसी रेशियो में डिवाइड करते हैं जो उसकी पावर्स में होगा। तो इतना ज्यादा अभी कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को, इतना समझ लो कि तुम तो डिफ्रेंशिएट कर देना, बाकी ये शॉर्टकट है, कभी फिजिक्स समझ में आ जाए, कभी बहुत चीजें हो जाए जो सब आती है, बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, तब ये शॉर्टकट सबसे लगा देना। मैं वैसे शॉर्टकट्स को ज्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा सा बेसिक्स को ही लेके चलता हूँ, और इसलिए मैं एससी वर्मा करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं लेक्चर्स बनाता ट्रिक्स, आजकल बहुत लेक्चर बनाता ट्रिक्स। मैं एक देख रहा था, कोई तो लेक्चर बना रहा था, कोई टीचर है केमिस्ट्री का जो लेक्चर बना रहा था फिजिक्स का, कि भाई केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं काफी टाइम से, 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, अब मैं फिजिक्स में आता हूँ क्योंकि फिजिक्स मेरे को अच्छी लगती थी बहुत, अच्छा अच्छी लगती थी, पहले क्यों नहीं पढ़ानी चालू की, पहली बात तो ठीक है पढ़ानी चालू कर दी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ट्रिक्स है, घंटे भर का लेक्चर है, 15 मिनट बकवास की हुई है शुरू के अंदर, कुछ नहीं पढ़ाया पहले तो 15 मिनट, ठीक है ना, बच्चों मैं आपको ये करवा दूंगा वो करवा, उसके बाद ट्रिक्स बनाई तो ऐसी बनाई कि भाई एक सर्किट दे रखा है तुमको, करवाऊंगा मैं सब सर्किट्स वगैरह, है ना, एक सर्किट दे रखा है, इसका कुछ तो ही ट्रिक बना दिया, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो, इसको R4 मान लो, इक्वेशन आती है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 2 × R3 R4 √R1² प्लस R2, पता नहीं क्या क्या बना दिया यार, मतलब इतना को तुम याद, हर एक क्वेश्चन का अगर तुम फॉर्मूला याद रखोगे तो कुछ नहीं होगा फिजिक्स में। फिजिक्स आगे करने से पहले इस चीज को याद रख लो कि फिजिक्स में कुछ याद ही नहीं रखना है। इनफैक्ट अगर मैं इस चैप्टर का रिविजन करवाऊँ अभी तक तो तुमको क्या क्या, अच्छा देखो ये तो मैथमेटिक्स है, साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा तो बेसिक चीजें तो याद रखनी पड़ेगी, एबीसीडी है, एबीसीडी तो याद रखनी पड़ेगी ना, लेकिन फिजिक्स की जो प्रॉब्लम कैसे करना है तुमको बस प्रोसेस याद रखना है, तुमको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तुमको ये याद नहीं रखना इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, इस क्वेश्चन का फॉर्मूला ये बनेगा, इस क्वेश्चन का, इतने फॉर्मूला याद करोगे तो कैसे होगा। मेरी फिजिक्स में मेरे को फॉर्मूला ही याद नहीं है, मेरे को फॉर्मूला ही याद नहीं है भैया। तुम पूछो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज कितनी होती है, मुझे याद नहीं है, प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, मुझे याद नहीं है, बिल्कुल बेसिक से काम करता हूँ, फटाफट से आंसर निकालता हूँ। और तुमको लगे सर नीट में तो चाहिए होता है, फटाफट चाहिए होता है, अरे भाई तुम याद नहीं करके भी उसको फटाफट से लिखते लिखते ही तुम बना दोगे फॉर्मूला पूरा, सोचना भी नहीं पड़ेगा, जबकि याद करोगे तो क्या रहेगा, दिक्कत रहेगी, 2 अंदर आएगा बाहर आएगा ऊपर आएगा नीचे आएगा कहाँ आएगा स्क्वायर में आएगा कहाँ आएगा, तो वो
चलो खैर जैसे भी तुमको करना कर लेना, पर मैं थोड़ा सा बेसिक्स पे ज्यादा प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो कभी बनाता ही नहीं हूँ कि शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह। हाँ अगर लेक्चर पूरे हो जाएंगे मेरे एससी वर्मा के, तो हो सकता है मैं एक वीडियो बना दूँ जिसके अंदर मैं फॉर्मुलाज को याद कैसे करना है। जैसे मैंने बताया ना साइन का फॉर्मुला कैसे याद रखा हुआ है मैंने, कि साइन है ये थीटा है 37 डिग्री, तो तुमको याद हो गया अगर तुमने सारे लेक्चर देखोगे। साइन 37 कितना होता है, 3/5। कैसे याद रख लिया, इसको एस मान लो, तो ये एस मतलब 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे याद रख लो। ठीक है ना, तो ऐसे याद रख लो साइन 37 का फॉर्मूला 3/5 होता है। मैंने तो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ोगे तुम रोटेशन के अंदर, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांसेप्ट होता है, हो सकता है तुम अगर 12th क्लास में हो या फिर ड्रॉपर हो तो हो सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाओ। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक हॉलो स्फीयर होता है एक सॉलिड स्फीयर होता है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr² इसका होता है 2/5 mr², तो मेरे हिसाब से 2/3 2/5 तो याद रह जाएगा, बट तुमको बस ये दिक्कत आएगी 5 किस में लेके आना है 3 किस में, तो इसको कैसे याद रखते हैं। देखो हॉलो स्फीयर के अंदर, हॉलो स्फीयर के अंदर 1 2 3 तीन डंडिया है, 1 2 3 तीन डंडिया है, तो 3 आ गया। सॉलिड स्फीयर को एस लिखा है, एस लिखा है मतलब 5 की तरफ लिखा है मतलब 5 आ गया। तो ऐसे मैं याद रखता हूँ कुछ चीजों को। जैसे तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाओगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाओगा कि वेलोसिटी जो होती है और जो रेडियस होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो मैं बता देता हूँ रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होती है। दो चीजें होती है, एक होता है जेड एक होता है एन, तो रेडियस जो होती है वो एन स्क्वायर अपॉन जेड होती है, वेलोसिटी जो होती है जेड अपॉन एन के प्रोपोर्शनल होती है। अब कैसे याद रखा मैंने इसको कि यहाँ पे 2 आ रहा है पहली बार, तो आर के नीचे 2, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, बाकी कहीं भी 2 नहीं आए, बाकी सब जगह 1 है। ठीक है, फिर मैंने कैसे याद रखा, ए बी सी डी अगर तुम लिखोगे तो आर पहले आएगा बी बाद में आएगा, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और एन और जेड लिखोगे तो ए बी सी डी वापस से लिखोगे तो एन तो बीच में आ जाएगा, जेड लास्ट में आएगा, तो वी के साथ जेड जाएगा आर के साथ एन जाएगा, मतलब आर के साथ एन आएगा बी के साथ जेड आएगा, बी के साथ जेड आएगा मतलब नीचे एन आएगा, आर के साथ एन आएगा मतलब नीचे जेड जाएगा, मतलब जो पहले आया उसके साथ पहले, जो बाद में आया बाद में, और क्योंकि आर के नीचे की 2 से है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ऐसे मैं याद रखता हूँ चीजों को यार, जिंदगी भर याद रहेंगी चीजें। ठीक है ना, तो ये सब फॉर्मूले अपन बना लेंगे, शायद मैं एक लेक्चर बना दूंगा बाद में जिसके अंदर पूरी फिजिक्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है अपन को वो अपन कर लेंगे, या लेक्चर के अंदर ले लूंगा, अलग से बनाने की जरूरत भी नहीं है। और बस यही बात है, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, हैव नाइस डे। इंटीग्रल कैलकुलेशन करेंगे हम जो नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे, बाय।